दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। CAA और NRC का विरोध कर रहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया और AMU के छात्रों पर गुंडागर्दी करने के बाद मोदी और योगी की पुलिस उन छात्रों पर ही धड़ाधड़ केस दर्ज कर रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 10,000 अज्ञात छात्रों पर यूपी पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक 15 दिसंबर को कैंपस में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में ये केस दर्ज किए गए हैं। बता दें कि 15 दिसंबर को कैंपस में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और NRC के विरोध में काफी बवाल हुआ था और उसके बाद से ही पूरे यूपी में हिंसा भड़की हुई है। अल्पसंख्यकों और दलितों के घरों में घुसकर योगी की पुलिस तांडव मचा रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है। मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी जी की सोच कैसी थी और वो क्या कुछ कह रहे थे, ये आप खुद सुन लीजिए। एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो तो सुना आपने योगी जी क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले ही योगी ने साफ कर दिया था कि वो प्रशासन के जरिए अल्पसंख्यकों का खून बहाएंगे और अब सत्ता में आने के बाद योगी आदित्यनाथ अपनी देवालिया मानसिकता का खूब प्रचार भी कर रहे हैं। और रंगा बिल्ला का तो कहना ही क्या, रंगा विदेशों में जाकर कहते हैं सब कुछ चंगा सी, जबकि बिल्ला देश भर में घूम घूम कर NRC पर झूठ फैलाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।